नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकनीति का फेसबुक लाइव। और इस वक्त अब तस्वीरें लगभग साफ हो चली हैं। 9 बजे के आसपास मैं लाइव आया था और मैंने बताया था कि शुरुआती रुझान है, इसमें नहीं पढ़ना है, हम आपको बड़ा कॉन्क्रीट कुछ देना चाहते हैं आउटपुट के रूप में। तो अभी का जो परिणाम है वो कह सकते हैं कि जो अभी का रुझान है वो परिणाम का रूप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी 19-20 हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अंतर है वो अंतर अगर बीजेपी लीड कर रही है तो 4,000-5,000 के बीच का है। अगर समाजवादी पार्टी या मान लीजिए गठबंधन का कोई प्रत्याशी लीड कर रहा है तो 20,000 का अंतर है। तो ये कहा जा सकता है कि गठबंधन जहां लीड कर रही है वहां जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी जहां लीड कर रही है वहां शायद 1-2-3 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। तो हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की सभी सीटों का आकलन, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, सबसे ऊपर आगरा में आपको बता देता हूँ, सत्यपाल सिंह जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये इनका जो मतांतर है वो 7,830 है। ये 7,830 किसी भी एक राउंड में कवर भी हो सकता है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो पाएगा अभी के लिए कि जीत ही रहे हैं। ये फिलहाल शुरुआती रुझान है। अब आते हैं अकबरपुर में, तो अकबरपुर में बहुजन समाज पार्टी, जिसको मैं आपसे बता रहा हूँ कि माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर 31,345 लगभग वोटों से, 54 वोटों से आगे है। तो ये भी यहाँ पर तस्वीर लगभग क्लियर है। अलीगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी आगे है, ये है 63,430 वोट से। इलाहाबाद में रीता बहुगुणा जोशी आगे चल रही है 26,599 वोट से। अम्बेडकर नगर में रितेश पांडे बहुजन समाज पार्टी के आगे चल रहे हैं 36,636 वोट से, यह बढ़िया मतांतर है। अमेठी में राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी इस वक्त 6,290 वोट से आगे चल रही है। लाइव जाने से पहले 7,500 का आंकड़ा था, अभी 6,625 का हो गया है। तो अमेठी में मैं कह सकता हूँ कि अभी जो भादर ब्लॉक है वहां पर की काउंटिंग हो रही है। अभी गौरीगंज जगदीशपुर ये जो रायबरेली से लगा हुआ इलाका है वो पूरा बाकी है। तो उस रायबरेली से लगे हुए इलाके में राहुल गांधी अच्छी खासी लीड ले जाते हैं, और पिछली बार भी जब कुमार विश्वास वहां से फाइट कर रहे थे 2014 के चुनाव में और स्मृति ईरानी बाद में आई थी लड़ने के लिए, तो कुमार विश्वास ने प्रचार प्रसार किया था, ज्यादा वोट पूरा उनका वोट काटा जो उन्होंने स्मृति ईरानी उसको बटोर ले गई थी। लेकिन जो जीत मिली थी उनको, तो जगदीशपुर से मिली थी, गौरीगंज से मिली थी। और इधर जो आपको बताते हैं जो जगदीशपुर हो गया, गौरीगंज हो गया, जो अमेठी और रायबरेली के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका, अभी की जो काउंटिंग हो रही है ये प्रतापगढ़ अमेठी के बॉर्डर की काउंटिंग हो रही है, मैंने फोन करके पता किया है। इसमें भादर ब्लॉक आता है और इधर पीपरपुर और दुर्गापुर इन सब क्षेत्रों का काउंटिंग चल रहा है, और यहाँ पर बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि ये सुल्तानपुर से और प्रतापगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है, क्षत्रिय से ज्यादा जो है ब्राह्मण यहाँ पर, और क्षत्रिय और ब्राह्मण का समीकरण मिला दिया जाए तो 70% यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसलिए अभी यहाँ पर कहा जा सकता है कि अमेठी में तस्वीर क्लियर नहीं है। अमेठी में राहुल गांधी करीब 30,000 से 35,000 वोटों से अभी भी मेरा प्रेडिक्शन है कि जीत सकते हैं, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि मेरे सारे प्रेडिक्शन कल से ही गलत हो गए। आगे चलते हैं, अमरोहा की बात करते हैं। तो अमरोहा में दानिश अली बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बहुत 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है वहां पर एक दुक्का सीटों को छोड़कर के मतांतर ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां गठबंधन लीड कर रही है वहां पर 30-20,000 से ऊपर का ही लगभग ज्यादातर सीटों पे अंतर है। उसके बाद आते हैं अनोला, अनोला को जो है धर्मेंद्र कश्यप जी आगे चल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया वही समीकरण 5,000 वोटों से। उसके बाद आते हैं आजमगढ़, अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं 21,000 वोटों से। बदायूं मैं आपको बता दूं डॉक्टर संगम मित्रा मौर्य जो है ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी को पीछे करके लड़ रहे हैं, 6,300 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये अभी तक की मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो मतांतर है वो अभी कम है, उसका लीड कम है बजाय गठबंधन के प्रत्याशियों की, बदला जा सकता है। तस्वीर बिहार वाली आपको याद होनी चाहिए, बिहार में 1 बजे तक भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी, अचानक से चुनाव पलट गया था, इसलिए ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि मोदी ने कॉन्फ्रेंस को 5 बजे तक पोस्टपोन किया, नहीं तो अभी कर लेते। आगे चलते हैं बागपत की बात करते हैं, डॉक्टर सत्यपाल सिंह बढ़िया नेता है, अच्छे नेता है और अच्छे से लीड भी कर रहे हैं, लेकिन मतांतर वही है 4,000। उसके बाद आते हैं बहराइच में जो है 39,000 सुरक्षित सीट है, 39,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये अच्छा मतांतर है। सावित्री बाई फूले यहाँ पर पिछली बार सांसद थी, उन्होंने पार्टी छोड़ करके जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, गठबंधन से उनको प्रत्याशी बनाया गया, लोग वहां से नाराज थे। सावित्री बाई फूले पिछली बार भारी मतों से बहराइच से जीत के आई सुरक्षित सीट भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, लेकिन अभी वो पीछे चल रही है। उसके बाद आते हैं बलिया में सत्येंद्र पांडे आगे चल रहे हैं भारतीय समाजवादी पार्टी के 26,000 वोट से। उसके बाद आते हैं बादल में आर के सिंह पटेल आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ पर अंतर अच्छा है 48,000 वोट का है। उसके बाद आते हैं बासगांव में 67 लोकसभा क्षेत्र माना जाता है, कमलेश पासवान भारतीय जनता पार्टी से लीड कर रहे हैं ये 70,000 वोटों से। उसके बाद आते हैं बाराबंकी
यहाँ पर उपेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी लीड कर रहे हैं 19,000 वोटों से। अब वो ईस्ट में आ गए, पश्चिम उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। बरेली आते हैं, बरेली फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश चलते हैं। शाहजहांपुर मुरादाबाद की बात का जिला है, बीच में जिला पड़ता है। संतोष कुमार गंगवार भारतीय जनता पार्टी पूर्व अभी भी सांसद थे, सिटिंग एमपी हैं, 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बस्ती में मैं आपको बात बताता हूँ, हरीश चंद्र ये वहां से पिछली बार संघ के बहुत खास माने जाते हैं। पिछली बार 33,000 वोटों से जीत के आए थे बस्ती से। बस्ती से इन्होंने सपा समाजवादी पार्टी के ब्रिजकिशोर सिंह को हराया था, जिनके भाई राजकिशोर सिंह इस वक्त कांग्रेस के टिकट पर इनसे पंगा ले रहे हैं, इनसे टिकट इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और निन्नी के खिलाफ त्रिकोणीय जो मामला है, जो बस्ती से तीसरे प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी की गठबंधन सीट से, रामप्रसाद चौधरी है जो बस्ती के कप्तानगंज विधानसभा से 3 बार सांसद रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के शासन में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और राजकिशोर सिंह भी लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, पहली बार बीएसपी से जीत के आए थे, फिर समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गए थे, मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो ये दो मंत्री, एक्स कैबिनेट मंत्री और एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच की लड़ाई है, जिसमें हरीश द्विवेदी अभी इनको बता दीजिए कि 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर बस्ती में लड़ाई टफ है। आगे चलते हैं, भदोही की बात करते हैं। रमेश चंद्र भारतीय जनता पार्टी, रमेश चंद्र आगे चल रहे हैं 18,394 वोट से। उसके बाद आते हैं बिजनौर में, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है 2600 वोट से। तो भारतीय जनता पार्टी का मतांतर यहाँ पर थोड़ा सा कम है, स्लाइटली कम है, लेकिन ये बहुत ऐसा नहीं हो सकता कि टफ फाइट देते देते 8 राउंड की काउंटिंग हो जाए और जीत और हार का अंतर 2500-2600 ही रह जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इसको मेंटेन भी कर सकती है, या हो सकता हो कि ऊपर नीचे भी हो जाए मामला। तो प्रेडिक्शन नहीं बात बता सकता अभी कोई, ये बता सकता हूँ कि टफ फाइट कहाँ पर चल रही है, कांटे का मुकाबला कहाँ पर चल रहा है। बुलंदशहर की बात की जाएगी, यहाँ पर बुलंदशहर में बहुत अच्छी लीड है, 53,000 की लीड है बुलंदशहर में। भोला सिंह का अपना वर्चस्व गांव तक, शहरों तक, मैं बताता हूँ घर घर जाने का उनका अपना वर्चस्व है। भोला सिंह वो ग्राउंड से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं, पिछली बार भी जीत किया था, बहुत भारी मतों से जीत किया थे। उसके बाद चंदौली डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, आप लोग जानते होंगे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पर उनका जो मतांतर है वो 15,000 का मतांतर है। उसके बाद देवरिया, आप लोग को याद होगा यहाँ पर रमापति त्रिपाठी है, उसका राज मिश्र का क्षेत्र हुआ करता था, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, गोरखपुर से लगा हुआ इलाका है, उसके बाद से बिहार लग जाता है, तो देवरिया बॉर्डर है और गोरखपुर से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रमापति पांडे त्रिपाठी लीड कर रहे हैं, करीब 55,000 का मतांतर हमको ये दिख रहा है। उसके बाद आते हैं दुधौरा में रेखा वर्मा लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी से 22,000 वोटों से। यूपी ईस्ट में पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो रखा है, गठबंधन का कोई जादू नहीं चला है। गोरखपुर हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चाल चाल के काम किया है, और संघ ने किस प्रत्यक्ष रूप से, संघ ने जिस तरह से वहां पर काम किया, घर घर जाके रात में बैठ करके बच्चों की कसम दिला करके, वो असर यहाँ पर दिख रहा है। आगे चलते हैं, संघ की ये संघ का काम दिया हुआ, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा संघ का ये रिजल्ट है। जो यूपी ईस्ट में जो सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र नहीं है बिल्कुल भी, सवर्णों की संख्या किसी भी कंस्टिट्यूंसी में 3-4% है, लेकिन वहां पर जो अति पिछड़ी जाति है, जो दलित में जाटो होते हैं, उसके बाद आते हैं पासियों में भी नीचे के जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं उनको साधने का काम भारतीय जनता पार्टी के संघ ने किया है। और ये माइक्रो पॉलिटिक्स जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह की जो रणनीति है कि माइक्रो कास्टिज्म वाली जो पॉलिटिक्स है कि उसको साधने का काम किया जाए, वो किया गया है। अगर मायावती अभी आके कॉन्फ्रेंस करे, वो कहे कि दलितों को वोट मुझे मिला है, जिस तरह की 2014 के कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था, और फिर 2017 के चुनाव में उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था कि दलितों का वोट मुझे मिला है मैं उनको आभार देती हूँ, तो गलत कह रही है, बार बार गदवाई कर रही है हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा में कहा जाए तो। उनको यहाँ पर दलितों का साथ कतई नहीं मिल रहा है, जो उच्च क्लास के दलित है जिनको इनकी योजनाओं का लाभ मिला है वही इनके साथ है, और यही कारण है कि पासी समाज इससे नाराज है। और उत्तर प्रदेश पूर्व में पासी समाज अच्छे खासी संख्या में है। कुर्मी की बात की जाएगी यहाँ पर, मैं रुक के बात करूंगा क्योंकि कुर्मी बहुत अच्छे संख्या में है। जो हम कहते हैं MY मुस्लिम और यादव फैक्टर का काम इसलिए नहीं कर रहा है कि जो यादव नॉन यादव बैकवर्ड क्लासेस है वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है, चाहे बर्मा हो, बर्मा बड़े भारी संख्या में उत्तर प्रदेश ईस्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डुमरियागंज इटावा, यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी ही लीड कर रही है। और मैं आपको बता देता हूँ फैजाबाद लल्लू सिंह कितने वोट से आगे चल रहे हैं, फैजाबाद अब मैं इसको अयोध्या कहूंगा, 15,828 वोट से। इनको टक्कर कौन दे रहा है, आनंद सिंह दे रहे हैं, मित्र सिंह यादव के लड़के हैं, समाजवादी पार्टी से मित्र सिंह यादव कई बार वहां से विधायक रहे और उसके बाद सांसद भी चुने गए। मित्र सिंह यादव को पिछली बार लल्लू सिंह ने हराया था, और लल्लू सिंह ने मित्र सिंह यादव को ही नहीं हराया था, सिटिंग एमपी पिछली बार के जो निर्मल खत्री थे जो कि वहां के स्थानीय डिग्री कॉलेज के छात्र नेता से उभरे हैं, उनको भी हराया था। तो वो दोनों लोग पीछे चल रहे हैं, उनके लड़के भी पीछे चल रहे हैं, और जो है निर्मल खत्री भी पीछे चल रहे हैं। और इस वक्त जो फैजाबाद की तस्वीर है उसमें लल्लू सिंह
आगे चल रहे हैं, फरुखाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यहाँ पर 70,000 और 45,000 का वोट का अंतर है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलते हुए ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अभी फ्लैश हो रहा है हमारी वेबसाइट पे। और आगे का हम दिखा रहे हैं आपको यूपी में ही और भी जितने भी सीटें हैं, बुलंदशहर में आपको बता ही दिया आगे की होगा, फतेहपुर सीकरी में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है 50,000 वोट से, फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है 8,000 वोटों से, यहाँ पर कम थोड़ा। और उसके बाद आता है गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा आगे चल रहे हैं 57,000 वोटों से, ये बहुत शॉकिंग वाला रिजल्ट है। जबकि गाजियाबाद इस बार कहा जाता है गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा के लिए टफ फाइट होगी थोड़ी सी। गाजीपुर में देखा जाए, गाजियाबाद में पहले देखते हैं, विजय कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी आगे चल रहे हैं, यहाँ पर काम नहीं किया अखिलेश यादव का जादू। गाजीपुर में अफजाल अंसारी ये टक्कर मुख्तार अंसारी के भाई, मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया गया क्योंकि अखिलेश यादव 2000 जब वो मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, उस वक्त भी विवाद हुआ था उनके घर में, शिवपाल यादव से भी विवाद हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अंसारी परिवार का भी फैक्टर आता है, इनको लेकर भी विवाद हुआ था क्योंकि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव थोड़ा सा अंसारी परिवार को लेकर टिट हुआ करते थे, लेकिन वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने साफ सुथरी छवि बनाने के चक्कर में इनसे किनारा कस रहे थे। लेकिन हिपोक्रेसी है कि आपने उनके भाई को टिकट दे दिया, जबकि मामले इनके ऊपर भी दर्ज है। अफजाल अंसारी जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम को लेकर के, वो इस वक्त लीड बना रहे हैं। कितनी लीड है इनकी गाजीपुर में 21,000, बहुत बड़ी लीड नहीं लेकिन फिर भी यहाँ से हो सकता हो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का खुद का सर्वे है, गाजीपुर उनके लिए टफ है। और घोसी आते हैं अतुल कुमार सिंह भारतीय बहुजन समाज पार्टी 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गोंडा में आते हैं कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया जिन्हें हम कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से 39,633 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये विनोद सिंह और उनके पुत्र सूरज सिंह के लिए एक तरह की राजनीतिक पराजय नहीं है, प्रतिष्ठा की पराजय है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विनोद सिंह कई बार वहां से एमपी विधायक रहे हैं, गोंडा से लोकसभा विधानसभा सीट से भूषण सिंह उनके कद्दावर नेता, जो दूसरे कद्दावर नेता है गोंडा के, उनके खिलाफ लड़ते आए हैं। इस बार का समीकरण इस तरह का बना कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से विनोद सिंह को लोकसभा का टिकट गोंडा से दिया गया और वो इसमें कीर्तिवर्धन सिंह से लड़ रहे थे जो बहुत बड़े अंतर से पीछे चल रहे 40,000 वोटों से। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है, क्योंकि सूरज सिंह भूषण सिंह के लड़के थे, भारतीय जनता पार्टी से जो लड़े थे भूषण सिंह के लड़के जिनका नाम है प्रतीक भूषण सिंह, वो उनको हरा दिए थे सूरज सिंह को, जो ये इन प्रत्याशी के लड़के हैं विनोद सिंह के लड़के हैं, बहुत बड़े अंतर से हराए थे जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ रहे थे। तो सूरज सिंह के लिए और विनोद सिंह के लिए ये फाइट बहुत टफ है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है और अगले 5 साल तो कुछ है ही नहीं उनके लिए। उम्मीद हो सकता हो कि इस तरह से गोंडा में जो ब्रजभूषण सिंह का परिवार है डोमिनेट कर दे और अब गोंडा में कोई ऑपोजिशन ना बचे और इस तरह से ये राजनीतिक करियर का अंत भी हो सकता है विनोद सिंह के। मैं आपको इसको स्पष्ट बता रहा हूँ। आगे चलते हैं गोरखपुर में हाई प्रोफाइल रविंद्र सावरण रवि किशन जो है भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही मतों से आगे चल रहे हैं, 1,01,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस सोशल इंजीनियरिंग कहा गया समझ में नहीं आ रहा मुझे। हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी के उनको पता ही होगा रवि किशन के बारे में सबको। हमीरपुर में कौन प्रत्याशी यहाँ पर पुष्पेंद्र सिंह, हाँ पुष्पेंद्र सिंह को जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से 39,000 अच्छे नेता है। हरदोई से जयप्रकाश भारतीय जनता पार्टी से 24, पूरे उत्तर प्रदेश ईस्ट में तो मोदी की लहर अभी भी है इतना कहा जा सकता है। और अब आते हैं अगले तरफ, क्या बचा हुआ है, वेबसाइट हमारी थोड़ी सी खुल रही है, आप हमारी वेबसाइट पर इन चीजों को देख सकते हैं www.loknithi.com पे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे आकर के, तो आपको और भी अच्छी खासी ईवीएम से रिलेटेड दो तीन चीजें आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बात है। हाथरस की बात की जाए, आप हम चल जाएंगे उत्तर प्रदेश पश्चिम में, हाथरस दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। राजीव दिलेर भारतीय जनता पार्टी से 50,000 वोट आगे चल रहे हैं मोटा मोटी बन के चले। तो जालौन में भानु प्रताप सिंह वर्मा ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जौनपुर में श्याम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी से आगे चल रहे हैं, इस बार उनका जो मतों का अंतर है 10,669 है। झांसी में अनुराग साम भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं 65,000 वोटों से। कैराना बहुत हॉट सीट थी, यही कैराना जहाँ पर उपचुनाव में लोग जीते थे, यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, ये 73,000 का डिफरेंस है। और उसके बाद आते हैं कैसरगंज, मैं फिर गोंडा के बगल की सीट है, विभूषण शरण सिंह की सीट है, पंडित सिंह के प्रतिद्वंदी यानी विनोद सिंह है वो पंडित सिंह के प्रतिद्वंदी की सीट है। यहाँ पर विभूषण शरण सिंह बहुत ही मतों से आगे चल रहे हैं, 53,000 वोटों से। और बता दूं ये 5वीं और 6वीं बार होगा जब विभूषण लगातार चुन के संसद जाएंगे, कभी हारते
इनका अपना रिकॉर्ड है। इनके लड़के ने विनोद सिंह के लड़के को चुनाव हराया था, इसलिए गोंडा से उनकी प्रतिष्ठा दांव पे। कैसे कौन से आगे आते हैं, कहरी कन्नौज में बात कर लेते हैं। डिंपल यादव, ये देखिए मैडम का मतलब भाभी, डिंपल भाभी जिनको इनके समर्थक बोलते हैं, वो 5,000 रुपये 4,000 रुपये से आगे चल रही है। ये अब बताइए आपको 14% कम होगा कि नहीं होगा, जब आप अपने घर की सीट इतने कम मार्जिन से जीत रहे हो और पूरे प्रदेश में आप इतने बड़े मार्जिन से हार रहे हो, तो आपकी वोटिंग सीट परसेंटेज कम होगा। और फिर आप कल को आके कॉन्फ्रेंस करिएगा, मुझे यादव ने वोट दिया था, आपको यादव भी वोट नहीं दे रहा, और मुझे लग रहा है कि मुसलमान भी वोट नहीं कर रहा उत्तर प्रदेश में, इस तरह का जो फिगर आ रहा है। आगे आते हैं कौशाम्बी, कानपुर में देखते हैं सत्येंद्र पचौरी, भारतीय जनता सत्येंद्र पचौरी बहुत ही बुजुर्ग नेता है, बहुत ही सीनियर नेता है। और मैं आपको बताऊं इनके बारे में कि ये वहां के पूर्व सांसद लाल मुरली मनोहर जोशी के बहुत खास माने जाते हैं, और मुरली मनोहर जोशी ने जो काम किया है उस काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने ऐसा जिक्र किया था चुनाव में, जिस सौरभ द्विवेदी ललन पाप के इनसे बात कर रहे थे उस इंटरव्यू में मैंने सुना था। और इस वक्त ये आगे चल रहे हैं, और कितने वोट से आगे चल रहे हैं, 25,000 वोट से। कौशाम्बी में आते हैं विनोद कुमार सोनकर, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है, 38,000 वोट से कोई चांस ही नहीं है। पांच राउंड की काउंटिंग अब तक तो हो चुकी होगी जिस जितना वक्त हो रहा है। और उसके बाद आते हैं खेरी, खेरी में अजय कुमार भारतीय जनता पार्टी आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर कुछ बच रहा हो तो 56, अभी एक दो स्लाइड्स और बची है हमारी, कुशीनगर में बात करेंगे। विजय कुमार दुबे भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं। लालगंज में लालगंज में थोड़ा सा मतलब संगीता आजाद बहुजन समाज पार्टी 20,000 वोटों से आगे। लालगंज लखनऊ के बगल की सीट है, दलित बहुल सीट है, और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है, बिल्कुल बगल में लखनऊ के। लालगंज के बाद आता है लखनऊ में राजनाथ सिंह का जादू काम कर रहा है, 94 वोटों से आगे चल रहे हैं। पार्टी लाइन से उठ करके अगर देखा जाए एज ए सिटीजन ऑफ लखनऊ, अगर मैं कहूँ तो राजनाथ सिंह वहाँ के लिए अभी के वक्त में, अभी के सरकमस्टांस में बहुत ही सुटेबल नेता है, इसलिए वहाँ की जनता ने और लखनऊ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो सिटी की है पुराने लखनऊ की, वो अमीनाबाद इलाका हो गया आपका, उसके बाद आपका इधर हजरतगंज का पूरा इलाका हो, उसके पीछे का टालीगंज का पूरा क्षेत्र जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, वो भी राजनाथ सिंह को वोट करते हैं। तो ये राजनाथ सिंह का अपना वहाँ पर एक अपना वर्चस्व है, और बहुत अच्छा काम भी उन्होंने किया है। अब आते हैं मछली शहर है, ये जौनपुर के बगल की सीट है। यहाँ पर त्रिभुवन राम जो कि बहुजन समाज पार्टी के हैं आगे चल रहे हैं। मछली शहर भी जौनपुर के जस्ट बगल में, जबकि जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, मछली शहर में बहुजन समाज पार्टी लीड कर रही है, मछली शहर भी दलित बाहुल्य क्षेत्र है। आगे चलते हैं महाराजगंज में बात करते हैं, महाराजगंज बस्ती से आगे नेपाल बॉर्डर पे, ये यहाँ पर पडरौना भी इसी के आसपास आता है। महाराजगंज पर चर्चा कर लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे 27,180 वोटों से। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव लीड कर रहे हैं 15,297 वोट से, सच्ची छोड़ो। मथुरा की बात करते हैं, हेमा मालिनी आगे चल रही है 66,300 वोट से। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल लीड कर रहे हैं 38,161 वोट से, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। मिर्जापुर में अनुप्रिया सिंह पटेल अपना दल लीड कर रही है, एनडीए की घटक दल कह सकते हैं, 25,617 वोट से। उसके बाद आते हैं ये वाली मिश्रिक में 32 लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 14,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लास्ट स्लाइड उत्तर प्रदेश की अंतिम तस्वीर लेते चलिए, सुल्तानपुर सहारनपुर माफ कीजिएगा, यहाँ पर हाजी फजल रहमान बहुजन समाज पार्टी आगे चल रहे हैं 38,000 वोटों से। उत्तर प्रदेश पश्चिम में लोगों ने पोलराइजेशन इतना जबरदस्त हुआ है, और यहाँ पर दलित मुसलमान की संख्या मिलकर के ज्यादा हो जाती है, और ये दिखाता है कि चुनाव में पोलराइजेशन हुआ, और इस आधार पर वहाँ पर गठबंधन की जो है बहुत मजबूत स्थिति जो है मजबूत है, बढ़त भी ज्यादा है थोड़ी सी। सलेमपुर की बात की जाएगी, रविंद्र आगे चल रहे भारतीय जनता पार्टी से, और इनकी जो मतांतर है 17,876 वोटों की है। जब भी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का लीड कर रही है, तो मतांतर कम हो रहा है। संबल की बात की जा रही है, डॉक्टर सफुकिर रहमान समाजवादी पार्टी आगे चल रहे हैं 30,456 वोट से। ये संबल मुरादाबाद से जस्ट बगल का इलाका है, अमरोहा मुरादाबाद के बीच में पड़ता है। संत कबीर नगर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के आगे चल रही है, ये संत कबीर नगर भी महाराजगंज बस्ती कुशीनगर के आसपास आता है, नेपाल से सटा हुआ इलाका है, 10,035 वोट से आगे चल रही है। और उसके बाद आते हैं शाहजहांपुर 27, शाहजहांपुर बरेली लखनऊ के बीच में, माफ कीजिएगा बरेली के से पहले और लखनऊ के बाद पड़ता है हरदोई से आगे, यहाँ पर 54,736 वोटों से अरुण कुमार सागर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रहे हैं। सरस्वती जो है लीड कर रही है, श्रावस्ती में राम शिरोमणि
बहुजन समाज पार्टी, श्रावस्ती ये भी नेपाल से सटा हुआ इलाका है, पूरा तराई इलाका उत्तर प्रदेश पश्चिम पूर्व का, और यहाँ पर अच्छी खासी जनसंख्या है दलितों की, और यहाँ पर अति पिछड़े दलित कम पाए जाते हैं, क्रिमिनल दलित ज्यादा पाए जाते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी वोट करते हैं, नेता होते हैं यहाँ के लोग लगभग, तो यहाँ पर डिफरेंस लेकिन कम है 10,000 का है। सीतापुर की बात की जाएगी तो सीतापुर जो है राजेश वर्मा, सीतापुर बिल्कुल बगल की सीट है लखनऊ की, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगभग लीड कर रही है, यहाँ पर मतांतर कम है 8,000 वोटों का। सुल्तानपुर आते हैं, यहाँ पर थोड़ी लड़ाई टफ, अब क्यों लड़ाई टफ होता है, सुल्तानपुर में 2009 से 2014 के बीच में सांसद रहे डॉक्टर संजय सिंह, जो कि अमेठी से आते हैं, अमेठी में उनकी वाइफ डॉक्टर अमिता सिंह लगातार विधायक चुनी जाती है, और सुल्तानपुर से लगातार सांसद चुने गए, पहले अमेठी से भी चुनाव लड़ चुके थे, फिर सुल्तानपुर से लगातार सांसद चुने गए, राज्यसभा उसके बाद चुनाव 2014 में हार गए, इनको राज्यसभा भेज दिया गया था, फिर उनको टिकट दिया गया। अब टिकट थोड़ा सा यहाँ पर कांग्रेस ने गेम खेला, कांग्रेस ने गेम खेलते हुए, क्योंकि यहाँ मेनका गांधी थी, तो कांग्रेस ने मेनका गांधी सुल्तानपुर में मेनका गांधी और वरुण गांधी बीजेपी थी, तो मेनका गांधी को हराने के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर सेक्रीफाई किया, कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जिनको ठाकुरों का वोट मिल जाता है, और पूरा वहां पर बजबूती ठाकुरों का इलाका है, जो भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त वोटर है, उसको टिकट दे दिया गया संजय सिंह को, जो कांग्रेस से आते हैं डॉक्टर संजय सिंह, उन्होंने ठाकुरों का वोट काट लिया, और उसके बाद मेनका गांधी का वोट कटा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर सोनू सिंह, यानी कि सोनू सिंह मोनू सिंह दोनों दुकड़ी हैं, दोनों सगे भाई हैं, और ये भी विधानसभा चुनाव हारे थे समाजवादी पार्टी से, इनके भाई साहब मोनू सिंह छोटे भाई हैं, इसौली से अबरार अहमद से हार गए थे, जो इकलौती सीट सुल्तानपुर में 5 में से 1 सीट जो समाजवादी पार्टी जीती थी, इसौली सीट जीती थी अबरार अहमद की, तो अबरार अहमद की सीट से हारे थे, इनके बड़े भाई सोनू सिंह को टिकट दिया गया है, चंद्रभद्र सिंह जिनका नाम है, और चंद्रभद्र सिंह इस वक्त 178,092 वोट से आगे चल रहा है, यानी कि ठाकुरों ने भी उनको वोट किया है, इनको ब्राह्मण भी वोट किया है, और यहाँ पर वोट कटा भी है बहुत, तो यहाँ पर मेनका गांधी हार गई चुनाव, और बहुत बड़ा झटका है, और ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद है उस खित्ते में, अमेठी रायबरेली और ये 9 से 31 का, अच्छा माफ कीजिएगा डिफरेंस 9 से 31 का सुल्तानपुर में, माफ कीजिएगा तो ये टर्न हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कांग्रेस ने प्रयास किया है सॉफ्ट खेलते हुए, उन्नाव की बात की जाए यहाँ पर है वो 2 लाख का अंतर, ये जो विरोध गांधी थे पिछले पूर्व सांसद उनका था ये 178,000 वोट से, पिछली बार यहाँ पे 178,000 वरुण गांधी यहाँ से वरुण गांधी यहाँ से सीट से लड़े थे, इस बार सीट उनकी बदल दी, अब बदल दी गई है, पीलीभीत चले गए, उनकी माता जी आ गई हैं, पिछली बार माता जी पीलीभीत थी, ये सुल्तानपुर थी, तो ये स्थिति सुल्तानपुर में बीजेपी गांधी परिवार के उस अंग मतलब कह सकते हैं बागी परिवार को, गांधी परिवार के बागी परिवार को इसलिए दाव खेलती है सुल्तानपुर से, क्योंकि सुल्तानपुर से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है अमेठी, और 15 किलोमीटर वहाँ के मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय की दूरी 22 किलोमीटर, वहां से सटा हुआ प्रतापगढ़ है, और वहीं से सटा हुआ रायबरेली भी है, इसलिए थोड़ा दाव खेलती है। आगे चलते हैं वाराणसी में नरेंद्र उन्नाव समाजवादी साक्षी महाराज, आगे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के 2 लाख वोटों से, और वाराणसी में नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, ये इनका अंतर साक्षी महाराज से स्लाइटली कम है, 1,63,000 है, उनका 1,99,000 है, तो ये था उत्तर प्रदेश। अब आते हैं मध्य प्रदेश का सिलसिला, और सुन लीजिए उत्तर प्रदेश में, जब इसलिए मैं बता रहा था क्योंकि यहाँ ब्रेक के बाद क्या आप लाइव चल रहे हैं, अच्छा ठीक है, इसके बाद हम मध्य प्रदेश में चर्चा करेंगे, 2 मिनट पानी, धन्यवाद।